प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक विचारक में। मित्रों, इस महामंत्र को जिंदगी में एक बार सुनकर छोड़ दें, आपका पुत्र कभी भी आपका शत्रु नहीं बन पाएगा और जिन पुत्र का बर्ताव आपके समक्ष शत्रु जैसा है, गणेश जी उसको भी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र आपके कुपुत्र के मन के विचारों को बदल देंगे, जिससे वो आपका शत्रु ना बनकर आपका हितैषी बन जाएगा और आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। प्रिय मित्रों, संतान का शत्रु रूप ही बहुत दुखदायी होता है। जिनके भी माता पिता ऐसे दुख से पीड़ित होते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है, पर हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई उपाय या मंत्र हैं जिनको करने मात्र से ऐसी पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जिनके घर भी पिछले जन्म के शत्रु जो इस जन्म में पुत्र रूप लेकर पैदा हुए हैं और इस जन्म में अपने माता पिता किसी भी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा देने का कार्य करते हैं, उनसे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि किसी का पुत्र ही अपने माता पिता या अन्य पारिवारिक व्यक्तियों का सदस्यों का ही शत्रु क्यों बन जाता है? तो इसके बारे में हम बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस जन्म में हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वे किसी न किसी कारण से ही हमारे इस जन्म में सगे संबंधी बने हैं। कुछ भी ऐसा संयोग व कारण नहीं होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता पिता और पुत्र के साथ पूर्व जन्म से चली आ रही शत्रुता के कारण ही माता पिता और शत्रु में पुत्र में शत्रुता देखने को मिलती है। पुत्र का ही शत्रु होना पुरानी मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म से आ रही शत्रुता का ही परिणाम है। निजी संबंधों की इस शत्रुता को जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में किसी से भी दुश्मनी करने से सदैव परहेज करना चाहिए। अगर किसी माता पिता का पुत्र अपने माता पिता को कष्ट दे रहा है तो उन माता पिता को चाहिए कि वह श्री गणेश जी से अपने पुत्र को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना करें। इसीलिए मित्रों, आज आपके लिए मैं एक और अद्भुत महामंत्र लेकर आया हूँ, जिसका 108 बार उच्चारण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस दिव्य मंत्र के सुनने मात्र से या जाप करने से आपके शत्रु रूपी पुत्र को प्रभु गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके पुत्र को आशीर्वाद के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होगी। और हाँ मित्रों, इस महामंत्र के प्रभाव से अगर आपके घर में कोई छोटा बालक भी होगा तो उसको भी प्रभु गणेश जी के द्वारा सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसे भी गणेश जी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। मित्रों, अगर किसी भी घर में इस महामंत्र का 108 बार श्रवण या जाप किया जाए तो उस घर के सभी सदस्य शत्रु बाधा से मुक्त हो जाते हैं और उस घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और आपस में कोई किसी का शत्रु नहीं बनता, बल्कि आपसी भाईचारा बढ़ता जाता है और उस घर में आजीवन गणेश जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। शत्रु पुत्र सद्बुद्धि गणपति दिव्य महामंत्र 108 बार। ओम गंगणपतये नमः।
सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। सत्र उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा।
गणपतये नमः शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम 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 गणपतये नमः शत्रु उच्चाटनम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम
गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणपतये नमः। शत्रु उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा।